हेलो फ्रेंड्स वेलकम गेन टू माय यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन 95 प्लस के नाइन्टीन एपिसोड के बारे में अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप जाकर देख सकते हैं तो मिशन नाइन्टी प्लस के एटींथ एपिसोड में प्रॉफिटबलिटीज़ रेशो को हमने स्टार्ट कर दिया था और प्रॉफिटबिलिटीज रेशू क्या होती हैं कैसे उनको यूज किया जाता है ये सारा हमने इन डेप्थ अंडरस्टैंड कर लिया था और प्रॉफिटेबिलिटीज रेशूज में से फर्स्ट रेशू ग्रॉस प्रॉफिट रेशू क्या होती है कैसे कैलकुलेट की जाती है विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने डेप्थ में अंडरस्टैंड कर लिए हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम गेन टू माय यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन नाइनटी फाइव प्लस के नाइनटीन एपिसोड के बारे में अब तक जितने भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप जाकर देख सकते हैं तो मिशन प्लस के एपिसोड में हमने प्रोफिटेबिलिटीज रेशू स्टार्ट की थी प्रोफिटेबिलिटीज रेशू में से फर्स्ट रेशू ग्रॉस प्रॉफिट रेशू क्या होती है

कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में हम जितने भी वीडियोस अपलोड करें उसका लिंक आपको मिलता रहे इसके साथ ही हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है वहां पर आपको इंडियन इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इन सब के रिटर्न नोट्स के साथ वीडियोज मिल जाएंगी तो सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ऑपरेटिंग रेशू होती क्या है ऑपरेटिंग रेशू कैसे यूज की जाती है क्या इसके हैं क्या इसके फॉर्मूलाज हैं लेकिन इससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग रेशू में हम करने क्या वाले हैं बेसिकली ऑपरेटिंग रेशू मीन ऑपरेटिंग कोस्ट यानी बिजनेस को ऑपरेट करने की कितनी कोस्ट आ रही है सिंपल सी बात है किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है बिना फाइनेंस के कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जा सकती फाइनेंस को अरेंज करने से लेकर गुड्स को प्रोड्यूस करने तक फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने तक ये सारे जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं ये एक बिजनेस की कोस्ट है ऐसी कोस्ट जो एक बिजनेस को बियर करनी पड़ती है अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए यानी ऑपरेटिंग रेशियो में हम मेन फोकस किसके ऊपर करने वाले हैं ऑपरेटिंग कोस्ट के ऊपर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में उसकी कोस्ट इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है यानी ये एक ऐसी रेशू है जो एक बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करती है बताती है कि ओवर दी पीरियड उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही क्या कैस इसकी कोस्ट बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है तो ऑपरेटिंग रेशू ये एक ऐसी रेशू है जो कि रिलेशन स्टेब्लिश करती है ऑपरेटिंग कोस्ट के साथ जिसके थ्रू एक बिजनेसमैन ये फाइंड आउट करना चाहता है कि बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा कितना आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग कोस्ट होती क्या है तभी आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बेसिकली अगर हम बात करें बिजनेस में हम अपनी कॉस्ट को अपने एक्सपेंसिस को दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्ट एक्सपेंसिस फर्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और सेकेंड हमारे पास आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस अभी हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट है क्या यह रेशियो हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है तो ऑपरेटिंग रेशू का मतलब मैंने आपको बता दिया ऑपरेटिंग रेशू का मतलब है कि यहां पर हम चेक करने वाले हैं कि एक बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है ऑपरेटिंग रेशू मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कॉस्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हम बात करें डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तो ये वो खर्चे हैं जो बिजनेस में डायरेक्टली इंकर्ड किए जाते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर गुड्स को परचेज करने के लिए ये वो खर्चे हैं जो कि परचेज से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं और जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर करते थे यानी वेजेस कैरेज इनवर्ड प्रेट इनवर्ड ये सब इसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं दूसरी तरफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कि डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है परचेज से लेकिन बिजनेस से तो रिलेटेड है ना उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कमीशन पेड ब्रोकरेज पेड ये सब इसमें आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में अच्छे से कर चुके हो अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो इसी सीरीज में वो भी अवेलेबल है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है जरूर देख लीजिएगा सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस दो तरह के होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब ये वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो एक बिजनेस को बियर करने पड़ते हैं अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इसके बिना बिजनेस ऑपरेट हो ही नहीं सकता फॉर एग्जाम्पल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बिना ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क नहीं हो सकता एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस वर्कर को सैलरी पे करनी है तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है कमीशन पे करनी है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है इसके साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए ये भी तो बिजनेस का ऑपरेशन है ना अगर मार्केट तक गुड्स नहीं पहुंचेंगी तो वो सेल नहीं हो पाएंगी इसका मतलब ये उसकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है जबकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो एक्स्ट्रा बियर करने पड़ते हैं एक बिजनेस को जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पे करना इंटरेस्ट बोरो मतलब उधार लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा That is, expenses. तो अगर हम बात करें ऑपरेटिंग की, क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ऑपरेटिंग कोस्ट में काउंट करते हैं Yes, इसको हम ऑपरेटिंग कोस्ट में काउंट करते हैं यानी ऑपरेटिंग कोस्ट क्या है जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं प्लस जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इन दोनों को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं यानी नॉर्मली हम यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे तो वो भी चलेगा तो यहां पर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख देते हैं जो कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है तो इसका मतलब ऑपरेटिंग कोस्ट वो एक्सपेंसेस हैं जो एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पे करने पड़ते हैं इस रेशो में हम ये वाले एक्सपेंसेस काउंट नहीं करते तो अब आपको ऑपरेटिंग रेशो क्या होती है वो पता चल गया ऑपरेटिंग रेशो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कोस्ट इसका मतलब ऑपरेटिंग रेशो एक ऐसी रेशो है जो कि रिलेशन स्टेब्लिश करती है ऑपरेटिंग कोस्ट और सेल्स के बीच में एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि जितनी भी उसने सेल्स की हैं उसके कंपैरिजन में उसको खर्चा कितना करना पड़ा कोस्ट कितनी बियर करनी पड़ी ये एक ऐसे रेशू है जो इंडिकेट करती है जो ये शो करती है कि एक बिजनेस इतना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ऑपरेट हो रहा है सिंपल है अगर एक बिजनेस की कॉस्ट कम है तो इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा है तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन है तो नॉर्मली अगर कहा जाए तो ऑपरेटिंग रेशू क्या है ये एक ऐसे रेशू है जो कि रिलेशन स्टेब्लिश करती है ऑपरेटिंग कोस्ट और नेट सेल्स के बीच में इस रेशो को यूज किया जाता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये मेजर करने के लिए कि एक बिजनेस कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है ओवर द पीरियड इसके जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो ये हमारे पास इसके कॉम्पोनेंट्स हैं ऑपरेटिंग कोस्ट एंड नेट सेल्स अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो क्योंकि ये कोस्ट बेस्ड रेशू है जिसमें हम कोस्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो इसकी रेशू क्या होगी ऑपरेटिंग कोस्ट ओवर नेट सेल्स मल्टीप्लाई हंड्रेड और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है वो इन डेप्थ मैंने आपको बता दिया वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस को बियर करने पड़ते हैं अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो ट्रेडिंग में आते हैं वो तो ठीक है जो प्रॉफिट एंड लॉस में आप लिखते थे उसमें से भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो उसमें काउंट होते हैं यानी अगर हम इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें तो हम ये कह सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि मैंने अभी आपको बताया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं दो तरह के होते हैं जिसमें से फर्स्ट हमारे पास क्या आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेकंड हमारे पास आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तो ये हमारे पास फिर प्रॉपर फॉर्मूला बनके क्या आएगा सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन दोनों को हम क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग कोस्ट डिविडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई हंड्रेड यानी ये आपका मेन फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप ऑपरेटिंग रेशू कैलकुलेट कर सकते हैं ऑपरेटिंग रेशो मीनस ऑपरेटिंग कॉस्ट चलिए अब इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं आई होप कि आपने वीडियो को लाइक like कर दिया और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिए तो फर्स्ट हमारे पास है कोस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सीओ जी एस हमें दे रखे थ्री लेख ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस हमें दे रखे है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि कैश सेल्स है फिर रिटर्न दे रखा है और हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है ऑपरेटिंग रेशियो तो पहले तो फॉर्मूला लिखना है क्योंकि मैंने आपको बताया है बिना फॉर्मूले के फर्दर प्रोसीड करना ही नहीं है तो ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिविडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई हंड्रेड अब क्योंकि परसेंटेज है इसलिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई हमें हर बार करना ही पड़ेगा सबसे पहले सीओजीएस वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है थ्री लैख नेक्स्ट हमें क्या चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो भी हमें 1, 20, हमें गिवन है नेक्स्ट चाहिए नेट सेल्स नेट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न तो हमें टोटल सेल्स में कैश सेल्स गिवन है क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं है हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते और हमें कोई हिंट भी नहीं गिवन टोटल सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए तो यही हमारी टोटल सेल्स हैं फाइव लैख ट्वेंटी थाउजेंड रिटर्न ट्वेंटी थाउजेंड है माइनस कर देंगे तो आ जाएगा फाइव लैख मल्टीप्लाई हंड्रेड तो ये हमारे पास आएगा फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड डिविडेड बाय फाइव लैख मल्टीप्लाई हंड्रेड तो ये हमारे पास आएगा 84 परसेंट यानी जितना भी प्रोडक्ट हमने सेल किया उसमें से कितनी हमारी कोस्ट थी 84 परसेंट बाकी का जो बच गया वो हमारा प्रॉफिट हो सकता है चलिए, ये नॉर्मल क्वेश्चन था जिसमें आपको सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी दिए हुए थे ना ही आपको सीओजीएस फाइंड आउट करना था ना ही ऑपरेटिंग कोस्ट ना ही नेट सेल्स सब कुछ दिया हुआ था लेकिन क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आ सकता एग्जाम में सीओजीएस शायद ना दिया हो तो कैलकुलेट करना कौन सा डिफिकल्ट है हमें आता है सीओजीएस कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत सारे लेक्चर्स हमने प्रोवाइड किए हैं सीओजीएस हमने इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशू में भी कैलकुलेट करना सिखाया था प्रीवियस एटीन एपिसोड में जिसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट की थी उसमें भी बताया था चलिए ये एक क्वेश्चन है जो आप अपने लेवल पर ट्राई कर सकते हैं और इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना अगर आंसर सही होगा तो आपको हार्ट दिया जाएगा नॉर्मल क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन अभी आपको करवाया वैसा क्वेश्चन है कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अब हम आ जाते हैं थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपको इस क्वेश्चन में सी ओ जी एस यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया मतलब ऑपरेटिंग रेशो नहीं पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछ रहे हैं कितने तो सबसे पहले तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है यानी सेल्स ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है तो सबसे पहले तो हमें ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है सेवेंटी तो ये फॉर्मूला हमें याद है हम इसी लेक्चर में कवर कर रहे हैं तो उसको लिखते हैं ना हमें आंसर मिल जाएगा जैसे कि आपको बताया था कि जितना भी डाटा आपको गिवन होता है वो सारा यूज करो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला आता है तो लिखो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिविडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100. सबसे पहले तो ये हमें 75 गिवन है देन COGS जो हमने कैलकुलेट करना है गिवन नहीं है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये हमें गिवन है वन लैख मल्टीप्लाई हंड्रेड डिविडेड बाय नेट सेल्स जो कि हमें गिवन है ट्वेल्व लैख तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये हमारे पास आ जाएगा नाइन करोड और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड को तो ये सीओजीएस के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा हंड्रेड सीओजीएस और ये वन लैक का हमारे पास क्या हो जाएगा वन करोड़ चलिए अब ये वैल्यू सेम है इक्वल्स टू के इधर जाके माइनस हो जाएगी तो नाइन करोड माइनस वन करोड़ ये हमारे पास आएगा हंड्रेड सीओजीएस यानी ये एक तरह से मैथ की तरह सॉल्व करना है बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाएगी एट करोड जीरोस कैंसिल हो जाएंगी तो सीओजीएस हमारे पास कितना आएगा एट लैख आंसर तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आए इनडायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन आ सकता है तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि तो सिंपल है ना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जितनी आपको डाटा गिवन है वो सारा यूज करो आंसर जरूर आएगा इसी तरह एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है ऑपरेटिंग रेशियो में पूछा गया तो पहले तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखो तभी तो आगे प्रोसीड करोगे ना तभी तो पता लगेगा कि क्या क्या चाहिए आपको तो ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू सीओ जी एस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिविडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई हंड्रेड आपको यह सारा डाटा चाहिए अब देखो आपको क्या डाटा गिवन है सबसे पहले तो आपको ऑपरेटिंग कोस्ट गिवन है इन दोनों को मिलाकर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं यानी मैं यहां पर सिक्स लैख एटी थाउजेंड लिख सकता हूं क्योंकि सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब हम जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कोस्ट ठीक है नेक्स्ट हमें नेट सेल्स चाहिए जो अभी हमें नहीं पता फर्दर हमें गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट ट्वेंटी फाइव परसेंट आगे कुछ बताया नहीं है कि ग्रॉस प्रॉफिट ट्वेंटी फाइव परसेंट किसका है कोस्ट का है या सेल्स का है नहीं गिवन लेकिन इतना गिवन है कि ग्रॉस प्रॉफिट ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो हमेशा याद रखना अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया जाता तो आपको ऑलवेज कंसीडर क्या करना है सेल्स ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन सेल्स अब नेक्स्ट हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट भी गिवन है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है यानी हम सीओजीएस फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके इक्वल होती है अभी हमने आपको बताया था डिटेल में सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब ऑपरेटिंग कोस्ट तो हमें गिवन है तो पर हम पुट कर सकते हैं। और सीओजीएस हमें पता नहीं है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें गिवन है क्वेश्चन में एटी थाउजेंड तो प्लस एटी थाउजेंड यानी सीओजीएस हमारे पास आ सकता है एक बार सीओजीएस हमारे पास आ गया तो नेट सेल्स कैलकुलेट करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये इक्वल्स इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो सीओजीएस हमारे पास आ जाएगा सिक्स लेख ,00 अब हमें जो जीपी है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन सेल्स दे रखा है सेल्स तो हमारे पास है नहीं हमारे पास तो कोस्ट है तो वो ओल्ड फॉर्मूला आपको यहां पर अप्लाई करना है जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी सिंपल ट्रिक है हमें सेल्स से कोस्ट पे जाना है हमें जो जीपी है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट दे रखा है ना ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन सेल्स यानी वन फोर्थ वन फोर्थ ऑन सेल्स जब हम सेल्स से कोस्ट पे जाते हैं तो मैंने बताया था आपको माइनस करना होता है जब हम सेल्स से कोस्ट पे जाते हैं तो हमें क्या करना होता है माइनस लेकिन क्या ऊपर वाली वैल्यू नीचे माइनस करनी होती है तो आ जाएगा यानी अब हम वन थर्ड ऑफ कोस्ट कर सकते हैं और जीपी फाइंड आउट कर सकते हैं अब हम ये लिख सकते हैं जीपी इज वन थर्ड ऑफ कोस्ट सिंपल है ना अगर कोस्ट से सेल्स पे जाना है तो प्लस करेंगे सेल्स से पीछे कोस्ट पे आना है सेल्स से कोस्ट पे जाना है तो माइनस करेंगे इसलिए हमने यहां पर माइनस किया so coast मतलब, coast तो वन थर्ड ऑफ कोस्ट मतलब तो में दे रखी है ना सिक्स लेख कितना आ जाएगा टू लेख अब हमारे पास जीपी भी है सीओजीएस भी है हमें नेट सेल्स इजीली मिल सकता है यहां पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं नेट सेल्स नेट सेल्स इक्वल्स टू सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट तो सीओजीएस जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया सिक्स लाख और जीपी हमारे पास कितना गिवन है टू लैख टोटल आ जाएगा एट लैख तो यहां पर हम पुट कर सकते हैं एट लैख तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यानी जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट वे में क्वेश्चन आए इनडायरेक्ट वे में भी आ सकता है तो ये हमारे पास आएगा 85 परसेंट एज कंपेयर टू सेल्स तो ये थी हमारी आज की वीडियो आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा फर्दर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी लेकिन अगर अब तक आपने मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दीजिए क्योंकि वहां पर आपके लिए लाइव क्लासेस अरेंज की जाती हैं बिल्कुल लाइव जिसमें आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो मेरे साथ और अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो तो ये हमारी फ्री क्लासेस का टाइम टेबल है जो कि यहाँ पर नहीं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है जाके प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे फोर्टी फाइव टू एट फोर्टी फाइव पी एम जिसमें हम अकाउंटिंग फॉर एनपीओ और पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिकल लाइव तो ऑल वेरी बेस्ट हैव अ नाइस डे ग्रेट डे